अभी मैं मेन रोड में खड़ा हूँ, मेन हाईवे में, और हाईवे के जस्ट बाजू में आप ये देख सकते हैं लगभग एक फ्लोर नीचे हैं सारे घर। बेला डीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पर आयरन और बॉक्साइट एवं अनेक मिनरल्स का भंडार भी मिलता है। बेला डीला दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहले आता है बचेली और उसके बाद आता है किरंदुल। दंतेवाड़ा जिले से बचेली की दूरी है 28 किलोमीटर और बचेली से किरंदुल की दूरी है मात्र 10 से 12 किलोमीटर। तो यहाँ बचेली में एनएमडीसी वालों ने, जो एनएमडीसी के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए कॉलोनी बनाई हुई है। मतलब एक स्मार्ट और प्लान्ड सिटी है और बहुत ही सुंदर सिटी है ये। रात में अगर आप आएंगे तो लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से की हुई है। ऐसा बोल सकते हैं कि एक छोटा सा शहर है ये, जहाँ पे सिर्फ एनएमडीसी के एम्प्लॉयज रहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लाइन से देखेंगे तो ये पहले चर्च है यहाँ पर। चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीनों चीज़ें एक साथ हैं लाइन से यहाँ पर, क्योंकि प्लान सिटी है तो सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। तो ये चर्च हो गया, इसके आगे ये मस्जिद है, फिर इसके आगे ये लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं मंदिर भी है। चर्च, मस्जिद और मंदिर, तीन चीजें हैं, गुरुद्वारा नहीं है। और यहाँ पर एक इंडियन कॉफी हाउस भी है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। सामने गार्डन वगैरह है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस भी है। तो अब यहाँ बेला डीला में क्या है, चारों तरफ से पूरे इंडिया के सब तरफ के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सब तरफ के लोगों के लिए, अलग अलग कल्चरल लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है एसोसिएशन बनाई गई। जैसे ये बंगाली कल्चरल एसोसिएशन है, फिर आंध्रा कल्चरल एसोसिएशन, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश बिहार सांस्कृतिक एसोसिएशन, और उसके बाजू में छत्तीसगढ़ का भी है। तो इंडिया के चारों तरफ के लोगों के लिए अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ पर, सबके लिए एक अलग से जगह बनी हुई है। इसको आप मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश के हर एक कोने कोने के लोग रहते हैं। और बचेली के बाद अब मैं निकल चुका हूँ किरंदुल की ओर, और किरंदुल की दूरी बचेली से 10 से 12 किलोमीटर की है। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों के क्या शानदार नज़ारे हैं। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर एनएमडीसी फैक्ट्री है, जो कि माइनिंग करती है। बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं यहाँ से, आयरन और निकलता है, और बहुत सारे मिनरल्स हैं। उन मिनरल्स के अगर आप बोलेंगे नाम बताइए तो मैं भूपेंद्र जोगी के अलावा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन बचेली और किरंदुल, ये दोनों बहुत ही सुंदर शहर हैं, छोटे छोटे हैं, और दोनों की कम्बाइंड आबादी अगर बोला जाए तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोनों शहर बहुत ही सुंदर हैं। अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है और ग्रीनरी तो नेचुरल है ही यहाँ पर। हम पहुँच गए यहाँ किरंदुल के मेन बस स्टैंड के पास। यहाँ से आप रायपुर और बिलासपुर जाने के लिए 24 घंटे बस मिल जाएंगी। यहाँ से रायपुर जाने के लिए मेन जो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बस का ही है,
और यहाँ से अगर आपको विशाखापट्टनम की तरफ जाना है तो उसमें आप ट्रेन में भी जा सकते हैं। हम आ गए हैं मेन मार्केट की तरफ, किरंदुल का ये मेन मार्केट है और यहाँ से अंदर की तरफ भी बहुत बड़ा मार्केट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किरंदुल में अगर आपको स्टे करना है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक होटल मिलेगा, ये इसका नाम है होटल बेला इन। तो किरंदुल में जब आप एंटर करते हैं तो आपको चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे। ये देखिए सामने पूरे पहाड़ है और ये सब पहाड़ों की कटिंग चलती रहती है हमेशा, यहाँ पे जो माइनिंग चलती रहती है उसकी वजह से पहाड़ में हमेशा कटिंग आपको नजर आएंगी। एक और चीज़ है, इस शहर में जब आप एंटर करते हैं तो आपको शहर कम और फैक्ट्री ज़्यादा लगता है, वो पूरा NMDC वालों ने ही डेवलप किया है। ये किरंदुल का एकमात्र पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप के पास से ही ऊपर पहाड़ों पर जाने का रास्ता है जहाँ पर हैवी ट्रक्स जाते हैं। ये देखिए ऊपर कन्वेयर लगा हुआ है जो पहाड़ों से जो भी मटेरियल निकलता है, आयरन ओर्स वगैरह निकलता है, उनको फैक्ट्री तक लेकर आता है ये पहाड़ों से। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है पूरा कन्वेयर बेल्ट है और ये फैक्ट्री का एंट्रेंस। इस तरफ है किरंदुल और इस तरफ है बचेली, मैं अभी बचेली में खड़ा हूँ और यहाँ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं मेन रोड में खड़ा हूँ, मेन हाईवे में, और हाईवे के जस्ट बाजू में आप ये देख सकते हैं लगभग एक फ्लोर नीचे हैं सारे घर, सामने आप पहाड़ देख सकते हैं और घर सारे एक फ्लोर नीचे हैं।